बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल और तेज हो गया है। अमृतपाल और पपलप्रीत की कई तस्वीरें, जो नई तस्वीरें हैं वो सामने आई है। पुलिस ने अलग अलग हुलिये वाली तस्वीरें जारी की हैं। लोगों से सुराग मिलने पर पुलिस को मदद करने की अपील की है और नई तस्वीरें पंजाब पुलिस की तरफ से जारी की गई है। अमृतपाल जिसके एक बार फिर से पंजाब में वापसी के संकेत मिल रहे हैं और बीती शाम ये बताया गया कि होशियारपुर में उसके होने की आशंका है। नई हुलिया वाली तस्वीर आ गई है और इन्हीं हुलियों की बदौलत वो पिछले 12 दिनों से पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आज 13वां 14वां दिन है और अब तक अमृतपाल पकड़ से बाहर है, इस बीच उसने हुलिया एक बार फिर से बदला है, ये कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा संकट पंजाब पुलिस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अब एक बार फिर पंजाब पुलिस ने नए हुलिये की तस्वीरें जारी की, अमृतपाल सिंह के और उसके साथी पपलप्रीत की। दरअसल 17 मार्च के बाद से लगातार जो अमृतपाल सिंह और अपने साथी पपलप्रीत के साथ फरार है उसको ट्रेस करने की तमाम कोशिशें पंजाब पुलिस से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी इसमें लगी, उत्तराखंड पुलिस भी लगी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगी, लेकिन सभी को नाकामी हाथ मिली है। अब फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक विपिन इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी परसों और उसके बाद से लगातार वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक नतीजा जो है पूरे तरीके से छिपर रहा है। इसी बीच ड्रामेटिकली जो अमृतपाल है वो अपना एक वीडियो जारी करता है और खुले रूप से पंजाब पुलिस को चुनौती देते हुए, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती अमृतपाल की तरफ से लगातार मिल रहा है। जितेंद्र आप बने रहिए, आप नजर बनाकर रखिए और इस खबर से जुड़ी एक एक डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।